Hello everyone, today we will discuss about the fourth chapter, the footprint with outfits. हमारा जो स्टेंजा है सिक्स तक हो गया था. अभी देखिए, मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाई स्ट्रेस. यानी जो मिसेज हॉल थी वो सीढ़ियों में गिरने के कारण काफ़ी स्ट्रेस में थी, काफ़ी दुखी थी. सी वॉज कंसर्स दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई द स्प्रिट एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ केस दैट टू इंटर इन टू हर फर्नीचर. यानी उसको लग रहा था कि जो उसका रूम है उसके अंदर कोई आत्मा है, उसने अपना घर बना लिया है, जो आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया है, उसको ऐसा लग रहा था. लेकिन ये सभी हो रहा था किसके कारण? उस अजनबी के कारण. ठीक है, उस फर्नीचर के साथ ऐसा कुछ हो रहा था उस अजनबी, ठीक है, जो साइंटिस्ट, उसके कारण हो रहा था. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर. जो मेरी माता जी हैं वो बैठ जाती हैं बेचारी कहाँ पे, चेयर पे. सी मोर्न, और वो हैं एक रोने जैसी स्थिति में. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. यानी ऐसा मेरे साथ कैसा हुआ, वो ऐसा सोच रही थी. द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज द ट्रेबल वॉज कोज बाई विच क्राफ्ट. यानी जो पड़ोसी हैं उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब जादू टोने के कारण हुआ है. बट द विच क्राफ्ट और नोट, लेकिन जादू टोने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, ऐसा कुछ था ही नहीं. वैन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लेगरी मैन होम बिकेम नोन. यानी जब लोगों ने जाना कि जो पादरी है उसके घर पर, ठीक है, चोरी हुई है, ठीक है, तो क्या होता है आगे देखिए. स्टैन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट. तो सभी लोगों को लग रहा था कि जो अजनबी वैज्ञानिक है उसका हाथ इसमें हो सकता है. ठीक है, ऐसी संभावनाएं लोगों को लग रही थी. द सस्पेंस ग्रू इवन स्ट्रेंजर वैन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश. और ऐसा और भी उनके पक्ष में हो गया उस अजनबी के, कि जब उसके पास कुछ पैसे पाए गए, ठीक है, तो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. क्योंकि उसने कुछ समय पहले बोला था कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो अचानक से उसके पास इतना कैश कैसे आया. ठीक है, तो इस कारण से उस पर जो शक की दृष्टि है और भी ज़्यादा उसके तरफ इशारा कर रही थी. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज स्ट्रिक्टली सेंट फॉर. और उसको जो कॉन्स्टेबल होता है, ठीक है, उस गांव के एरिए का, उसे गुप्त तरीके से बुलाया जाता है. इंसिटेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिन. यानी बिना इंतजार किए हुए, ठीक है, किसका, उस कॉन्स्टेबल का, उस सिपाही का, जो मिसेस हॉल हैं वो जाती हैं साइंटिस्ट के पास. हु हैड सम हाउ मिस्टिसली अपियर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. यानी वो पूछना चाहती थी कि वो किस तरीके से, ठीक है, किस रहस्यपूर्ण तरीके से एकदम से उस रूम के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर. मैं जानना चाहती हूँ कि आप उन सीढ़ियों की तरफ मेरी जो चेयर है उसके साथ क्या कर रहे थे. सी डिमांडेड एंड, और वो पूछती है ऐसा. आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ द एम्प्टी रूम. आप कैसे एक तरफ से एकदम से जो खाली रूम है उसके अंदर आ जाते हैं. एंड हाउ यू एंटर्ड लॉक्ड रूम, और किस प्रकार से एक लॉक लगे हुए कमरे में घुस जाते हैं. ठीक है, ये सब उससे पूछती है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड यू इन द नेक्स्ट वीडियो.